और आप देख सकते हैं पीना टमाटर के भिंडी हमारी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी है हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ढाबे स्टाइल दही वाली भिंडी बनाएंगे जो बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है और खाने में ढाबे से भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसके लिए यहाँ मैंने ताज़ा या फ्रेश तीन सौ ग्राम भिंडी ली हूँ भिंडी को हम इस तरीके से साइड में रखेंगे और एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे और इस तरीके से भिंडी के ऊपर और नीचे वाले भाग को कट कर लेंगे और इसे बीच में से कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे दो टुकड़ों में काटा है और दूसरी भिंडी को यहाँ मैंने तीन टुकड़ों में काटा है और एक साथ दो तो से चार भिंडी लेकर के भी हम इस तरीके से से कट कर लेंगे जिससे भिंडी हमारा इजीली कट हो जाएगा और अगर आपकी भिंडी छोटी है तो आप उसे दो टुकड़ों में कट करें नहीं तो इस तरीके से तीन टुकड़ों में कट कर लें और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फटाफट से सारे भिंडी को कट कर लिया है और अब हम एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे दो प्याज लेंगे और प्याज को भी हम इस तरीके से छील लेंगे और अब हम इसे बिल्कुल बारीक या महीन कट करेंगे बारीक या महीन कट करने से प्याज हमारे इजीली और जल्दी गल जाएंगे और बिना टमाटर के ही ग्रेवी भी हमारा इंस्टेंट और इजीली जल्दी बन के तैयार हो जाएगा आप चाहे तो प्याज को इस तरीके से बारीक भी कट कर सकते हैं या आप इसे एक से दो सेकंड के लिए ग्राइंड भी कर सकते हैं नहीं तो आप इसे ग्रेट कर ले तो भी ये इस तरीके से बारीक हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया है और अब हम एक कढ़ाई लेंगे गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे गरम होने देंगे और अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे यहाँ मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है इस रेसिपी आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है और ये देखिए ऑयल भी हमारे बहुत अच्छे से गर्म हो गए हैं और इस टाइम में हम इसमें कटे हुए लंबे टुकड़ों में भिंडी डालेंगे भिंडी डालकर गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही भिंडी को हम चलाते हुए एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे जिससे भिंडी भी हमारे अच्छी तरीके से भून जाएंगे और इसका चिपचिपा भी ख़त्म हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने भिंडी को अच्छी तरीके से बिल्कुल कंटिन्यू चलाते हुए भून लिया है और अब हम इसमें एक चम्मच बेसन डालेंगे बेसन डालने से इसके चिपचिपापन बहुत ही इजीली और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और अब हम बेसन डालकर भिंडी को बेसन के साथ भी अच्छी तरीके से भून लेंगे जिससे बेसन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और भिंडी भी हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे भिंडी को भूनते हुए एक मिनट हो गया है हाई फ्लेम पे और आप देख सकते हैं भिंडी बहुत अच्छी तरीके से भून भी गई है और बेसन भिंडी में बहुत अच्छी तरीके से चिपक गया है जिससे भिंडी हमारी बिल्कुल खिली खिली बनी है और आप देख सकते हैं कढ़ाई भी हमारा बिल्कुल क्लीन है ये बिल्कुल भी कढ़ाई में या पैन में नहीं चिपका है और अब हम सारे भिंडी को एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे जिससे भिंडी हमारे जले ना और अब हम सेम कढ़ाई में ही एक से डेढ़ चम्मच तेल डालेंगे और तेल डालकर हम इसे फिर से गर्म होने देंगे यहाँ मैंने थोड़े से ही तेल का यूज़ किया है क्योंकि हम इसमें दही का भी यूज़ करेंगे और दही भी अपना ऑयल रिलीज़ करेगा और अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को ऑयल में अच्छे से पकने देंगे या क्रैक होने देंगे जीरा हमारा अच्छे से तेल में पक गया है और अब हम इसमें एक तेज पत्ता तोड़ के डालेंगे और अब हम इसमें थोड़े से सूखे खड़े गरम मसाले डालेंगे दो लौंग दो टुकड़ा दालचीनी का एक जावित्री का और एक छोटी इलायची डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च इस तरीके से तोड़ के डालेंगे आप इसकी जगह हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम इन सभी को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे और अब हम इसमें बारीक कटे हुए दो तो प्याज डालेंगे प्याज डाल के गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे 20 सेकंड के लिए भून लेंगे जिससे प्याज का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और प्याज हमारे अच्छे से पक भी जाएंगे और अब हम इसमें एक चम्मच दरदरी कुटी हुई अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और गैस का फ्लेम स्लो या मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और अब हमारा प्याज जब तक पक रहा है तब तक हम इसके लिए एक मसाला बना लेते हैं इसके लिए यहाँ मैंने चार चम्मच फ्रेश दही का यूज़ किया है और अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे स्वाद अनुसार एक चम्मच नमक डालेंगे और एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें तीखे के लिए एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अब हम इसमें आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चौथाई चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और अब हम इन सभी मसालों को दही में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसका एक बहुत ही बढ़िया और गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे चम्मच से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा ग्रेवी के लिए दही वाला बैटर बनके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं प्याज भी हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं और अब हम इसमें दही वाले मसाले का बैटर डालेंगे और ये देखिए यहाँ मैंने सारे बैटर को डाल दिया है और हाई फ्लेम पे हम बैटर को 20 से 25 सेकंड के लिए चलाते हुए इस तरीके से मिक्स करते हुए भून लेंगे जिससे दही फटेगी भी नहीं और मसाले भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से भुन के तैयार हो जाएंगे और आप देख सकते हैं मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ग्रेवी में पानी ऐड करेंगे यहाँ मैंने जिस कटोरी में मसाला मिलाया था उसी में हम थोड़े से पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसे ग्रेवी में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारे पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और चलिए अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ये ढक करके दो मिनट के लिए और पकने देंगे जिससे मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन भी जाएंगे और ये तेल भी छोड़ देगा और दो मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं मसाले हमारे तेल छोड़ रहे हैं हम इसे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे भिंडी डाल कर के हाई फ्लेम पे हम इसे 20 से 25 सेकंड के लिए भिंडी के साथ अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे जिससे मसालों का फ्लेवर भिंडी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और भिंडी को ढक करके मीडियम फ्लेम पे पाँच मिनट के लिए हम पकने देंगे जिससे भिंडी में मसालों का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाएगा और आप देख सकते हैं पाँच मिनट हो गए हैं भिंडी हमारे मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से पक गए हैं आप इस तरीके से इसे सूखा भी इस तरीके से बना करके भिंडी खा सकते हैं लेकिन यहाँ मैं इसमें ग्रेवी ऐड करूँगी इसके लिए यहाँ हम इसमें एक से दो कटोरी पानी डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसमें एक उबाल आने देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ग्रेवी के साथ भिंडी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें एक कप और पानी डालेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक कप और पानी डाल दिया है और अब हम हाई फ्लेम पे इसमें एक उबाल आने देंगे और आप देख सकते हैं भिंडी में उबाल आ गया है हम इसे ढक के पाँच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे पाँच मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं भिंडी काफ़ी अच्छी तरीके से पक भी गया है और ग्रेवी बहुत ही अच्छे तरीके से तेल भी रिलीज़ कर रहा है इसका मतलब है कि भिंडी हमारे ऑलमोस्ट पक गए हैं और इस टाइम पे हम इसमें एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डालेंगे क्योंकि हमने इसमें खड़े गरम मसाले का भी यूज़ किया है और अब हम गरम मसाले को भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक मिनट के लिए गरम मसाले के साथ पकने देंगे और एक मिनट हो गए गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें एक चम्मच कस्तूरी मेथी डालेंगे कस्तूरी मेथी से इसमें बहुत ही बढ़िया ढाबे वाला फ्लेवर आएगा और अब हम इसे चलिए गर्मा गर्म गरम प्लेट में सर्व कर लेते हैं इस तरीके से ढाबा स्टाइल दही वाली भिंडी बनाएंगे तो घर में बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और सभी होटल और ढाबा छोड़ के आपसे डेली यही भिंडी बनवाएंगे और सभी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे दोस्तों अगर आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं या कुछ भी स्पेशल है तो आप फटाफट से इस तरीके से ढाबा स्टाइल बिना टमाटर के भिंडी बनाएं सभी को बहुत पसंद आएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और आप इस रेसिपी को पूरी पराठा नान किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है तो इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें और मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी में